हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे उद्देश्यों की जो तकनीकें हैं उनके बारे में। इसे पिछली क्लास में हमने उद्देश्यों की तकनीक के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे और उसमें हम चल रहे थे उद्देश्यों की तरह प्रबंध के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि उद्देश्य तरह प्रबंध होता क्या है और इसके क्या महत्व है, किस किस को इससे लाभ होता है। ये सब चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज बात करेंगे हम उद्देश्य तरह प्रबंध की सीमाएं क्या क्या है, यानी कौन कौन सी ऐसी सीमाएं हैं जो इसको प्रतिबंधित कर देती है या इसके क्षेत्र को रोक देती है, कम कर देती है, इसके प्रभाव को कम करने वाली जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या सीमाएं हैं इसकी। सबसे पहले हम बात करते हैं उद्देश्य निर्धारण में कठिनाई। बता रहे हैं सीमा में सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न होती है, जो पहली जो लिमिटेशन है इसकी, वो लिमिटेशन क्या रहेगी, उद्देश्य का निर्धारण करना। भाई हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था इसके अंदर, उद्देश्य का निर्धारण तो था। हमें सबसे पहले क्या करना था, अपने उद्देश्य का निर्धारण करना था और उस उद्देश्य के बेसिस पे हमें अपने सारे कार्य करने थे। हमें जितने भी प्लानिंग हो रही थी, जितने हम नियोजन कार्य कर रहे थे, वो सब उद्देश्य के बेसिस पे चल रहे थे। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर चल रहे थे। तो उद्देश्य का निर्धारण करना सबसे बड़ी हमारे सामने क्या होती है, कठिनाई होती है कि कैसे उद्देश्य का सिलेक्शन किया जाए। संतुलन की समस्या। अब देखिए, आपने जब उद्देश्य का सिलेक्शन कर लिया, उसके बाद में क्या दिक्कत आती है कि देखिए परिस्थितियों में बदलाव होता रहता है। हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां जो है वो उनमें परिवर्तन होना ही है, और जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन के कारण क्या होता है, जब संतुलन नहीं बैठ पाता है तो समस्या उत्पन्न होती है। आंतरिक परिस्थितियां हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं, दोनों के बीच में समायोजन बिठाना पड़ता है, और अगर उसमें समायोजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समस्या उत्पन्न होगी। बेलोचता की कठिनाई। कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, उस समय के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, अपने उद्देश्य में भी बदलाव करना होता है। लेकिन अगर आपका जो उद्देश्य है वो कैसा नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, लोचशील नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि कैसे हम प्रत्येक चीज को काल्पनिक मानकर कार्य करें। भाई जब लोचशील नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, काल्पनिक मान के कार्य करना पड़ेगा, यानी हम क्या हो गए, वास्तविकता से दूर हो गए। हम वास्तविकता से क्या हो गए, परे हट गए, दूर हट गए। क्यों, क्योंकि इसमें बेलोचता है। हम जो परिस्थितियों में बदलाव हो रहा है उनके साथ में समायोजन नहीं कर पा रहे, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, इनके अतिरिक्त कुछ और भी दोष दे रखे हैं, क्या क्या दोष हैं, उन दोष को भी हम अगर देख लें तो समझ में आ जाएगा। सहभागिता एवं सहयोग का अभाव। सहभागिता मतलब देखो, कई बार क्या होता है ना कि प्रबंधक जो होते हैं वो हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर दिया, उद्देश्य बता दिया, कार्यभार दे दिया। अब उनका सहयोग नहीं मिल पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब उनका सहयोग नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है अपने जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में अपने को और ज्यादा समय देना पड़ेगा। अतिरिक्त समय का दबाव। कई बार प्रबंधक क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं अपने कर्मचारियों पर। जैसे आपने देखा होगा निजी संस्थान जो होते हैं, अपने एम्प्लॉइज पे प्रेशर डालते हैं ना, ये कार्य करना है आपको, इतने समय में करना है, मतलब जितना उनको पे नहीं होता है उससे ज्यादा उनसे काम करवाते हैं। ये समस्या हम नॉर्मली देखते हैं, सभी जगह होती है सब। तो इस वजह से क्या होता है, समय का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि कार्य तो बहुत ज्यादा होता है, कार्य तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको करने के लिए दिया जाने वाला जो समय है वो क्या है, कम है। तो इसमें क्या होता है, फिर आपको अधिक समय दे करके उस कार्य को पूरा करना होता है, तो आपके ऊपर क्या बढ़ जाता है, समय का दबाव बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाएगा टाइम का, कि आपको टाइम पे काम पूरा करना है, तो क्या करो, उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे करके उस काम को फटाफट से करो। अभी प्रेरित न किया जाना। कई बार क्या होता है, मोटिवेट नहीं करते कर्मचारियों को, और देखिए मोटिवेशन एक ऐसी जादू की छड़ी है। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन जादू की छड़ी का कार्य करती है, और इस मोटिवेशन के बल पर आप किसी से कोई भी कार्य करवा सकते हैं। तो जब आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे, उन्हें अभिप्रेरित नहीं करोगे, तो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित देरी होनी है। उचित पुरस्कार एवं मान्यता का अभाव। देखिए
कर्मचारी को जब तक आप उचित पुरस्कार नहीं देते हैं, उसे मान्यता नहीं देते हैं, उसकी जो भूमिका है वो संगठन में सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब तक वो उस कार्य को करने में अपना 100% नहीं दे सकता, यानी दिल से कार्य नहीं करेगा वो। अगर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति दिल से काम करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उचित पुरस्कार देना पड़ेगा, उसको मान सम्मान देना पड़ेगा, उसको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो क्या हो जाएगा, आपके साथ में अच्छे से जुड़ जाएगा और फिर वो अपने कार्य को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ करेगा। कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव, कई बार क्या होता है कार्य के प्रति मन लगता ही नहीं है, और नहीं लगता उसको रीजन सारे मैंने बता दिए, और जब रीजन बता दिए हैं मन नहीं लगेगा तो करेगा क्या भाई? जब अगर देखो ऐसी बात है कि आपने सुना भी है मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, अब जब मियां राजी बीबी नहीं राजी तो फिर काजी काजी सब कुछ काजी को ही करना। तो भी यहां पर भी जब जैसे अब कार्य के प्रति आपका बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं, आप उब गए हो कार्य को करते करते, यानी आपका जो मन नहीं लग रहा कार्य के अंदर, तब भी क्या है ये भी इसके लिए दोष है। अत्यधिक समय खर्च, कई बार क्या होता है कि कार्य को हम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर पाते हैं और इसके लिए हमें क्या करना होता है और अधिक समय उसके लिए खर्च करना होता है, तो ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा एक दोष कहलाएगा। मुख्य जोर परिणामों पर, रिजल्ट पर जोर दिया जाता है, हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, हमारा मुख्य ऑब्जेक्शन क्या है, उस ऑब्जेक्शन पर जोर दिया जाता है। अब देखिए ये रिजल्ट पर जोर देने की बात में देखो मैं आपको बात बता दूं, यहां पर रिजल्ट मतलब क्या, येन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से कुछ भी कर लो आप, कुछ भी का मतलब साम दाम दन नहीं, कुछ भी करके आपको क्या करना है, आपको तो रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट मतलब आप कैसे भी रिजल्ट ले लो, तो ये भी क्या है इसका एक दोष है, गलत तरीकों से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना कि एग्जाम में बच्चे जो पास नहीं होने वाले होते हैं वो पास हो जाते हैं, तो वहां पर भी तो समझ गए ना आप, समझदार हो इस में समझ गए आप, तो इस प्रकार से रिजल्ट जो है ना वो मायने रखता है, व्यक्ति में क्या एबिलिटी है डजंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है आपका रिजल्ट क्या है। अगर आपने 99% प्राप्त कर लिए हैं, मतलब क्या है आप टॉपर हो, चाहे नकल करके प्राप्त किए हैं आपने, आपने चीटिंग की होगी, चीटिंग से आप नंबर लेके आए हैं, और जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था वो 87 लेके आया है, जो इससे इंटेलिजेंट है, बट कोई मतलब नहीं उसका, क्यों मतलब नहीं, क्योंकि रिजल्ट बोलता क्या है, आपका रिजल्ट बोलता है। नेक्स्ट, अल्पकालीन लक्ष्यों पर अधिक बल, अब देखिए वो क्या चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी तरक्की करें, हर कोई संगठन चाहता है ना कि हम अपनी प्रोग्रेस जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लें, तो ऐसे करने से वो क्या करते हैं अपने छोटे छोटे जो है उद्देश्य है लक्ष्य जो है वो निर्धारित करते हैं और उनके बाद पर वो कार्य करते हैं, तो दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले उनको अल्पकालीन लक्ष्य पर अधिक जोर देना होता है। तो ये है उद्देश्य द्वारा प्रबंधक के दोष और उसकी सीमाएं। इसके लाभ हम कल पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने अधीनस्थों के लिए लाभ को पढ़ा, प्रबंधकों के लिए लाभ को पढ़ा, प्रबंधक मतलब उच्च प्रबंधक और संस्था के लाभ को पढ़ा था, और ये भी देखा था हमने कि जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध है ये अवधारणा प्रतिपादित की गई थी 21वीं सदी के प्रबंध गुरु कौन, पीटर एप ड्रकर, उनके द्वारा। अच्छा आगे हम बात करेंगे आज वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता है, यानी कि बात किसकी हो रही है, एफ डब्ल्यू टेलर की। आगे हम बात करेंगे अपवाद द्वारा प्रबंध की, और अपवाद द्वारा प्रबंध तकनीक जो है वो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता है, यानी कि हमने किसका नाम लिया अभी एफ डब्ल्यू टेलर का। तो ये एफ डब्ल्यू टेलर जो है इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है। देखिए क्या है इस तकनीक में, तो देखिए बड़ी सिंपल सी तकनीक है और बहुत ही अच्छी है ये। अच्छी क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि जैसे हमने बात की कि आजकल जो प्रबंध है वो तीन स्टेप में डिवाइडेड है। तीन स्टेप कौन कौन से, तो मैंने आपको बताया सबसे पहला उच्च स्तरीय हो जाएगा, सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा मध्यम, और तीसरा होता है आपका प्रथम पंक्ति या निम्न स्तर का प्रबंध। अब देखिए संगठन में क्या होता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, नियोजन करना या जो डिसीजन मेकिंग का काम है, वो सब कौन करता है, उस स्तर पर जो प्रबंध होगा वही करेगा। तो इनमें यही बात बताई गई है कि जो
डेली रूटीन के कार्य है, जो कार्य रोजाना होते हैं, उनमें अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उन्हें जो निम्न स्तर के प्रबंधक है, जो प्रथम लेवल के जो प्रबंधक है, उनके द्वारा उनको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है ना डेली रूटीन में क्या समस्या आ रही है, तो उनको नॉलेज भी रहता है कैसे इसको दूर किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उच्च प्रबंधक है उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनका ध्यान ऐसी समस्याओं में आकर्षित नहीं करना है, उनको अपना काम करने दो, उनका जो हाई लेवल का काम है उनको करने दो, अपने को उनको छेड़ना नहीं है। क्योंकि जब कार्य निम्न स्तर के प्रबंधकों द्वारा कर लिया जा रहा है तो उन्हें कुछ बताने की जरूरत कहां है। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। यह तकनीक बताती है कि उच्चाधिकारियों का ध्यान केवल उन परिस्थितियों एवं मामलों में आकर्षित किया जाना चाहिए जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न होते हैं। उच्च अधिकारी जो हैं उनको केवल उन्हीं परिस्थितियों की या उन्हीं मामलों की जानकारी देनी है जो कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, अपवाद स्वरूप कभी कभार उत्पन्न होते हैं। अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गई जो निम्न स्तर के जो प्रबंधक हैं उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, जब वो ये कह दे कि भाई मार तो मात ऊपर और जा रहे, मार दो मात ऊपर और जा रहे हैं, उस समय आप जाके क्या करो उच्च स्तर प्रबंधक को जाके बता दो कि सर जी ये माया तो आपके ही हाथ में है, आप ही संभालो इसको। तो वो अपने आप संभालेंगे उसको, उनमें एबिलिटी है ना, भाई उच्च स्तर प्रबंधक है उनके पास में जो एबिलिटी है वो क्या है, निम्न स्तर के जो प्रबंधक है उनसे ज्यादा है, तो वो उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि उनका ध्यान केवल उन्हीं परिस्थितियों में आकर्षित करना है जो अपवाद स्वरूप उत्पन्न होती हो। अच्छा, इसके बारे में एक और बात लिखी गई है, यह केवल नियंत्रण की तकनीक नहीं है, यह केवल नियंत्रण की तकनीक नहीं है अपितु अवसरों की खोज की विधि भी है। केवल कंट्रोल नहीं करता है ये, ऐसा नहीं है कि उच्च स्तर के प्रबंधक जो है वो केवल कंट्रोल करेंगे निम्न स्तर के प्रबंधकों को, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, ये उन अवसरों की खोज करते हैं जिसमें हम कार्य को और भी अच्छे ढंग से कुशलतापूर्वक संपादित कर सके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो अपवाद द्वारा प्रबंध है, इस अपवाद द्वारा प्रबंध के महत्व कौन कौन से हैं, महत्व की बात कर लेते हैं। तो महत्व की बात हम जब करते हैं तो देखिएगा इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम प्रबंधकों के व्यक्तिगत समय की बचत, जो प्रबंधक है उनका जो पर्सनल टाइम जो है वो बच जाएगा। क्यों बच जाएगा, क्योंकि जो जनरली प्रॉब्लम आ रही है, जो छोटी मोटी जो समस्या आ रही है, जो डेली रूटीन में आप लोग उनको फेस कर रहे हो, उनमें आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। अब जब आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो क्या करेंगे, उस टाइम को कहीं और कंज्यूम करेंगे, कहीं और उसका यूज करेंगे टाइम का, तो उनका जो समय है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट है प्रयत्नों पर ध्यान केंद्रित, रिजल्ट जो अपना आने वाला है, क्या कोशिश करेंगे रिजल्ट आएगा, तो जो कोशिश हमें करनी है, जो प्रयत्न हमें करने हैं उनके ऊपर फोकस करना रहेगा। हमारा जो मेन जो उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, भाई उचित समय जो है हमारा, उचित समय पर कार्य करना है ना। उचित समय और उचित स्थान पर क्या करना है, क्या प्रयत्न करना है जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, तो ध्यान रखना है उचित समय और स्थान का। जटिल समस्याएं उच्च अधिकारियों के ध्यान में, जो समस्याएं बड़ी है वो क्या हो जाएगी, जो उच्च अधिकारी है, जो उच्च तबके के प्रबंधक हैं, उनके समक्ष अर्पित हो जाएगी। हाँ, सीधा उनके चरणों में अर्पित करना है, लो साहब ये आपके लिए, हमारे तो ये ऊपर से जा रही है। तो जटिल समस्याएं जो है वो अपने आप उच्च अधिकारी तक पहुंच जाएगी, उनका ध्यान जो है उन जटिल समस्याओं की ओर आकर्षित हो जाएगा। प्रबंधकीय क्षेत्र को व्यापकता, अब देखिए जब आप देखेंगे कि प्रबंधकों का ध्यान केवल विशिष्ट परिस्थितियों में आकर्षित किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, तो ऐसी दशा में होगा ये कि जो प्रबंधक है, जब प्रबंधकों का कार्य क्षेत्र कैसे व्यापक हो जाएगा, जब आपने उनको केवल जटिल समस्याओं के बारे में बताना है तो उनका जो टाइम बच रहा है वो क्या करेंगे, वो अपना टाइमिंग उन कार्य पर लगाएंगे जो कार्य संस्था में संचालित हो रहे हैं, उनको और किस प्रकार से कुशलतम बनाया जा सकता है, कम से कम समय में उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस क्षेत्र में वो कार्य करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, उनका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा,
उच्च स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं उनका कार्यभार वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप उनका इस तरह से सहयोग करेंगे तो वो और भी अच्छा कार्य कर सकते हैं संगठन के लिए या संगठन की उन्नति के लिए, और भी अच्छे अच्छे जो तकनीकें हैं उनको डेवलप कर सकते हैं। निर्णय की बारंबारता में कमी, बार बार जो आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है ना उसमें भी आपकी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि जब एक प्रकार की समस्या आपके सामने उत्पन्न होती है तो एक बार तो आपने उच्च अधिकारियों को बता दिया, लेकिन अब क्या होगा जो निम्न स्तर का जो प्रबंधक है ना उसको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी समस्या होती तो मुझे क्या करना है भाई, अगर ऐसी समस्या होगी तो मुझे क्या करना है। अब समझ में क्यों आया, क्योंकि उच्च प्रबंधक ने उसको आइडिया बता दिया ना कैसे करना है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, अब वो स्वयं अगर वैसे कोई समस्या है तो उसको निपटा देगा। यानी कि अब वापस आपको क्या नहीं करना है, उच्च स्तरीय प्रबंधक को डिस्टर्ब नहीं करना है, उस कार्य को स्वयं कर लेना है। योग्यता अनुसार कार्य आवंटन, जो जिस कार्य को करने में निपुण है, योग्य है, जिसमें जैसी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको कार्यभार दो, और उस अकॉर्डिंग जब आप उसको कार्यभार दोगे तो क्या होगा, वो उस कार्य को बड़े ही शालीनता से और बड़े ही कुशलतापूर्वक पूरा कर देगा। संकटों एवं कठिन समस्याओं की शीघ्र पहचान, अगर कोई संकट है या कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है जो आपके समझ में नहीं आ रही है तो वो जल्दी से पकड़ में आएगी। पकड़ में जल्दी क्यों आएगी, क्योंकि समझ में नहीं आ रही है मतलब अपने ऊपर की बात, जब समझ में नहीं आ रही है मतलब क्या अपने लिए नहीं है, और जो चीज न्यू है उनको क्या करना है, फॉरवर्ड कर देना है, किनको, अपने उच्च अधिकारियों को। मूल्यांकन के लिए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक मापदंड, अब देखिए वैल्यूएशन करना है, और वैल्यूएशन किन किन का करना है, व्यक्ति का भी करना है और आप जो कार्य करें उत्पन्न करें उनका भी करना है। तो व्यक्तियों का जो आप वैल्यूएशन करेंगे मूल्यांकन करेंगे वो किस बेसिस पे किया जाएगा, गुणात्मक आधार पर, क्योंकि व्यक्तियों में तो गुण होते हैं ना, तो जब गुणों के आधार पर आप करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, गुणात्मक। किन के लिए, व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति कौन, जो कर्मचारी आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उन कर्मचारियों की बात की जा रही। अच्छा अगली बात करते हैं परिमाणात्मक, तो परिमाणात्मक किसके लिए, तो जो आप उत्पादन कर रहे हो आपने कितना कुछ उत्पादन किया कितने समय में किया, तो सारी कैलकुलेशन किस में होगी, डेटाज में होगी ना, आंकड़े होंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमाणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्त पहलुओं की व्यापक जानकारी, प्रबंधक के पास में पर्याप्त समय है, और पर्याप्त समय होने का वो क्या करेंगे, पूरी मॉनिटरिंग करके सारी की सारी जानकारी अपने पास में एकत्रित कर लेंगे, उनके ध्यान में रहेगा कहां क्या कार्य हो रहा है। आगे बात करते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधक की कुछ सीमाएं भी हैं। देखो ऐसी बात है, दाग चांद भी होते हैं, इसी प्रकार से सभी प्रकार की जो तकनीकें हैं उनमें भी कुछ ना कुछ समस्या भी जरूर होती है। आप कुछ भी देख लो, जहां कुछ आपको लाभ दिखेंगे, विशेषताएं दिखेगी, महत्व दिखेंगे, तो उसकी कुछ कमियां भी दिखेगी, तो यहां पर भी इसकी भी कुछ कमियां निकालेंगी, क्या कमियां हैं या क्या इसकी सीमाएं हैं। व्यक्तिगत विचारों को बढ़ावा, कह रहा है प्रश्न किसी व्यक्ति के जो विचार है ना उसको इसमें क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, साहब ये कार्य तो वही व्यक्ति कर सकता है, मतलब प्रश्न किसी व्यक्ति को क्या मिल रही है, बढ़ावा मिल रहा है। अविश्वसनीय समंकों पर आधारित, अब देखो समंक पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो किसने कहा है वो सही है, अपने सही मान लिया उसको, अब वो वास्तव में सही है नहीं है अपने तो चेक ही नहीं किया उसको, यानी जो डेटाज हैं उनमें आंखें बंद करके जो विश्वास किया जाता है ये गलत है, तो बोलो ये अविश्वसनीय समंकों पर आधारित है। जो डेटाज हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, अविश्वसनीय होते हैं। व्यापक अवलोकन एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता, आपको बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है, किस पे अवलोकन करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, बार बार सारा कार्य से ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, चेक करना पड़ेगा आपको, क्यों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उस काम से परे हट गए, अगर आपने ये मान लिया कि भाई कोई समस्या नहीं आ रही है, कोई अपवाद उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब संगठन सही चल रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, कई बार हमें ज्ञात नहीं होता लेकिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में व्यापक अवलोकन करना होगा, रिपोर्टिंग करनी होगी, देखना होगा कार्य सही ढंग से संपादित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ज्यादा कागजी कार्रवाई, अब देखिए आपका जो ऑफिशियल वर्क है ना वो बढ़ जाएगा, क्यों, आप डायरेक्ट वहां जा नहीं रहे हैं और आपका ध्यान केवल किन की ओर आकर्षित किया जाएगा, अपवाद स्वरूप कंडीशन पर, तो ऐसे में क्या हो जाएगा,
तो ऐसे में समस्या ये आएगी कि वो क्या करेंगे, बार बार जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, और जब बार बार जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे ना, तो वो क्या करेंगे, ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे, और बार बार क्या करेंगे, जो निम्न स्तर के प्रबंधक है उनको नोटिस तलब करेंगे, साहब जानकारी दो हमको, तो फलाने फलाने जानकारी उपलब्ध करवाओ, लोग काम बढ़ गया। तो इसमें यह भी समस्या है, अस्वाभाविक स्थिरता, स्थिरता बनी हुई है लेकिन कैसी है, अस्वाभाविक है, उसका स्वभाव नहीं है कि वो ऐसे कैसे रहेगी, कभी भी परिवर्तित हो सकती है, समय का बदलाव जो है वो कभी भी आ सकता है। तो वहां जो स्थिरता हमें देख रही है वो कैसी है, अस्वाभाविक है, वास्तव में स्थिरता जो है वो होती नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है। बिना अपवाद कार्य संचालन सही माना जाएगा, अगर कोई अपवाद की कंडीशन नहीं बनी या कोई जटिल समस्या उत्पन्न नहीं हुई या प्रबंधकों का ध्यान जो है वो संकटों की तरफ आकर्षित नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या माना जाएगा कि कार्य बड़े अच्छे ढंग से हो रहा है। और कार्य अच्छे ढंग से हो रहा है तो नहीं हो रहा है इसकी जानकारी हमारे पास में कहां, क्योंकि हमने तो क्या मान लिया भाई कार्य सही ढंग से संचालित हो रहा है। अंतिम है माप का उचित आधार नहीं, कि मापदंड जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, उसका कोई निश्चित मापदंड उन्होंने निर्धारित नहीं किया हुआ है, तो ये भी क्या है, इसके लिए एक सीमा रहेगी, इसकी बाउंडेशन रहेगी। तो हमने बात की उद्देश्य द्वारा प्रबंध की सीमाओं की, अपवाद द्वारा प्रबंध की, अपवाद द्वारा प्रबंध की क्या महत्व है, उनकी क्या सीमा है उनकी।